इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपके पास है आईटेल विजन 3 का मोबाइल और उसमें दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है कि जब आपके मोबाइल फ़ोन पर कॉल आ रहा है तो आपके फ़ोन में रिंगटोन नहीं बज रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा और पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा अपने आईटेल विजन 3 मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में और सेटिंग में जाकर यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आने पर आपको यहाँ एक साउंड का ऑप्शन मिलता है, साउंड पर क्लिक करना होगा। इसमें आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि आपके फ़ोन में एक ऑप्शन मिल जाता है रिंग एंड नोटिफिकेशन वॉल्यूम का, ये वॉल्यूम आपके फ़ोन में पूरा कम तो नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में यहाँ पर पूरा कम है, तो अभी अगर हमारे मोबाइल फ़ोन पर किसी का भी कॉल आएगा तो हमारे फ़ोन में रिंगटोन नहीं बजेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि आपके फ़ोन में ये जो रिंग एंड नोटिफिकेशन वाला वॉल्यूम है आपको सबसे पहले तो इसको आपको देना है फुल कर, मतलब आपको इसे मतलब दोस्तों आपको आपको इसे पूरा कर देना है। तो ये कर दीजिए, तो इसके बाद अगर कॉल आने पर रिंगटोन बज रहा है तो फिर ठीक है, और अगर इसके बाद भी कॉल आने पर रिंगटोन नहीं बज रहा है तो इसमें देखिए एक ऑप्शन मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। और दोस्तों देखिए इसमें क्या हो सकता है कि आपके फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब मोड इस तरीके से ऑन होगा, तो दोस्तों डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी ऑन रहता है तो कॉल आने पर रिंगटोन नहीं बज सकता है। तो अगर आपके फ़ोन में इस तरीके से ये ऑन है डू नॉट डिस्टर्ब मोड, तो आपको क्या करना है कि दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करके इसको भी बंद कर देना है। तो जब आप ये दो चीजें कर देंगे उसके बाद दोस्तों कॉल आने पर आपके फोन में रिंगटोन जरूर बजेगा, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरीके से आप कॉल आने पर रिंगटोन नहीं बजने के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं आईटेल विजन 3 के मोबाइल में। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।